सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्या ट्रेलर। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ जो कि मैंने आज से पहले यूट्यूब पे कभी नहीं की। ठीक है, फर्स्टली गाइस, अगर आप जो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आप सभी को जो है क्यूटेक्स के फ्री सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो जाओ फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, और अभी आप सभी ने देखा होगा कि क्रिसमस पे जो है कल तक आज तक की जो है वैलिड है रात के 12 बजे तक ये प्रोमो कोड है स्टे विद क्यूटेक्स 2022। अगर आप इसको यूज करते हैं अभी इस वीडियो में देखने के बाद तो आपको जो है 80% का वेलकम बोनस मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस, इस वीडियो में खास क्या है आप सभी के लिए वो बता दूं। इस वीडियो में फिलहाल मैंने ₹1000 का गिवअवे रखा हुआ है। जो भी जो है इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन यही है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप में से किसी लकी यूजर को मैं देने वाला हूँ ₹1000 का गिव अवे। ठीक है, फर्स्ट इस वीडियो में। ओके, और सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि हफ्ते में जितनी वीडियो यहाँ पे पोस्ट होंगी, मंडे को मैं जो है ट्रेडर ऑफ द वीक का जो विनर होगा, ट्रेडर ऑफ द वीक होगा, जैसे क्यूटेक्स में होता है कि ट्रेडर ऑफ द वीक किसने सबसे ज्यादा ट्रेड वगैरह करी है, उस ट्रेडर ऑफ द वीक को भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। उस ट्रेडर ऑफ द वीक बंदे को जो भी मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, एज अ मैं खुद उससे मिलूंगा उस पर्सन से, और जो है मैं वीडियो कॉल के जरिए उसको जो है यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे लेके भी आऊंगा। ठीक है, तो ट्रेडर ऑफ द वीक का भी बहुत सारा फायदा होने वाला है, उसको भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि ट्रेडर ऑफ द वीक में होगा ये कि आप सभी को जो पर्टिकुलर जो हर वीक में जितनी भी मैं जो है वीडियो अपलोड करूंगा, यानी मान लो इस हफ्ते में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 7। ठीक है, यानी पर डे एक वीडियो, तो उस 7 वीडियोस में जो बंदा लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया होगा उसमें से, और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने मेरी लिंक से अकाउंट क्रिएट किया और ट्रेड वगैरह प्रेस करी है, ठीक है, ट्रेड वगैरह लगाई है, आपका टर्नओवर ज्यादा होता है तो उसे बनाऊंगा मैं ट्रेडर ऑफ द वीक। अब अगर गाइस आप किसी और चैनल को ज्वाइन किए हो, अगर किसी और बंदे को जुड़ के जो है ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आप सभी को इस चीज का फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि गाइस आप तो अदर चैनल पे हो तो यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ अगर आप जो है मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको ट्रेडर ऑफ द वीक के जरिए आपको कुछ ना कुछ प्राइज ऐसा मिलेगा जो कि आपको आने वाले टाइम में काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल हो सकता है, कुछ गिफ्ट वगैरह हो सकते हैं, कुछ एयरपॉड वगैरह, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो सकता है ट्रेडर ऑफ द वीक में। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। और इस वीडियो में जो गिव अवे मैंने रखा है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस इस वीडियो में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आज मैं जो है ओटीसी के मार्केट पे कुछ ट्रेड वगैरह एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, और जो मैं निफ्टी वगैरह पे भी मेरा स्टॉक मार्केट पे भी मैंने जो है ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी कुछ फंडामेंटल्स, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैंने क्या किया था और मैंने कहां प्रेडिक्ट किया था, आज मार्केट कहां पे, आज खैर संडे है तो आज मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सकता मार्केट और यहां से मार्केट डाउन गिरेगा, तो मैंने जो एनालिसिस किया था मेरे हिसाब से वो परफेक्ट जो है वर्क किया है। ठीक है, फिलहाल मैं लेके जाने वाला हूँ आप सभी को जो है क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पे, अपने जो है क्या बोलते हैं लाइव यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड कर दूं, बिकॉज वरना मुझे फिर दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा। ओके, वीडियो में गाइस लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो शायद ही है कोई भी बंदा आपको जो प्रोवाइड करता होगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए मैं आ चुका हूँ अपने अभी लाइव अकाउंट पे। आप यहाँ पे देख लीजिए लाइव अकाउंट पे मेरे जो है 12,29,000 के समथिंग का बैलेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी अकाउंट से मैं ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो है करेंसी वाले प्लस वाले आइकन पे जो है प्रेस करूँ तो यहाँ पे सारी जो ओटीसी करेंसीज है आप देख सकते हैं। सैटरडे के दिन ही वीडियो शूट हो रही है और ये अपलोड होगी संडे के दिन। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए ये सारी वीडियोस का ये सारी चार्ट है आपके सामने। और आज मैंने ओटीसी पे कुछ ट्रेड वगैरह करी थी तो आप देख सकते हैं मेरी रैंक जो है 19वीं रैंक है, 19वीं रैंक पे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, नीचे से आप देखेंगे 19वीं रैंक पे $3,046 के बैलेंस के साथ। ओके, सो ये मैंने बैलेंस यहाँ पे बनाया हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे जाऊँ ये बेल आइकन वाले सिंबल पे तो यहाँ पे देख लीजिए एक्समस डे का ये बोनस कोड है स्टे विद क्यूटेक्स के साथ, और यहाँ पे देख लीजिए 25 तारीख तक ये वैलिड है, 25 बार 22 तक ही वैलिड, यानी आज के दिन तक ही वैलिड है, वीडियो शूट हुई रात के 12 बजे तक। ठीक है, ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, अगर जो 25 तारीख के बाद आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए कोई भी प्लान अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो आप जो है ₹1000 का गिवअवे जरूर दे सकते हैं। ओके, सो इसको मैं जो है मार्क एज रीड कर दूंगा। ओके, नोटिफिकेशन को हाइड करूंगा यहाँ पे। अब गाइस एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप ओटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं तो ओटीसी पे क्या होता है कि ओटीसी मार्केट किसी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ब्रोकर के कंट्रोल में होता है, यानी जिसका क्यूटेक्स है उसी कंट्रोल में मार्केट रहता है पूरा का पूरा क्यूटेक्स का। ठीक है, यानी ओटीसी मार्केट का।
आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, चाहे वो बाइनरी ऑप्शन का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वाइनमो हो, चाहे क्यूबडेक्स हो, चाहे ओलीएमपी हो, चाहे आईक्यू ऑप्शन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ओटीसी का मार्केट हर एक चार्ट पे अलग अलग चलता है, ठीक है। और गाइज एक और चीज है यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ओटीसी का मार्केट में अगर आप जो है ज्यादा टाइम तक बने हुए हैं, अगर आप ज्यादा टाइम तक ट्रेड करें, ज्यादा टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करें, तो ये आपकी बहुत ही गलत बात है, ठीक है। आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट लेके आएंगे सारा का सारा यहाँ पे गवा के चले जाएंगे। तो प्लीज गाइज आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा कि ओटीसी में आप सिर्फ ये कीजिए कि आपको दो ट्रेड विन हो गई, बस भैया खत्म, मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, अब मुझे यहाँ से एग्जिट लेना है, ठीक है। जितना जल्दी आप एग्जिट लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ओटीसी के मार्केट में, ओके। और अभी जो है डीडीओस के जरिए से ये थोड़ा क्यूटिस वगैरह हैक वगैरह चल रहा था, खैर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड वगैरह वीआईपी में कराई थी जो कि मेरे को उसी टाइम पे लॉसेस वगैरह भी देखने को मिले, तो कुछ बग वगैरह आते रहते, खैर अब तो सारा का सारा रिजोल्व हो चुका है, आप इजिली इसको अब यूज कर सकते, कोई भी बग वगैरह नहीं रहा, ठीक है। अब आप जो है इजिली यूज कर सकते क्यूटिस को, ओके। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लाइव अकाउंट में मेरे 12 लाख रुपए हैं, मैंने यूरो यूएसडी के चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो मुझे यहाँ पे ओटीसी के चार्ट यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, इसको मुझे करना पड़ेगा रिमूव, ठीक है, यूरो जेपीवाई को, ओके। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया, लेकिन हाँ गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे कंसिडर कर दूं कि अगर आप जो ओटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मार्केट पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है। अगर आप जाएंगे मेन मार्केट में तो वहां पे कुछ चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे देखने को मिलती है, टाइम टू टाइम आपको अपडेटेशंस और यहाँ पे आपको ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंड को फॉलो करता चलेगा मार्केट, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी होती है ओटीसी के मार्केट में, लेकिन ये रियल मार्केट में नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप समझते हैं कि मार्केट तो भैया रियल मार्केट तो रियल उस पर डिपेंड करता है कि आप जो किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, ठीक है, उस बेस पे चलता है। आप जो है ओटीसी के मार्केट में कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं होती, ये सारा का सारा क्रिप्टो का खेल होता है कि क्रिप्टो वाइज सातों दिन 24 घंटे जो ओपन रहती है क्रिप्टो, ठीक है। तो ये सीन रहते हैं क्रिप्टो वगैरह, तो उसका सीन हम साइड में रखेंगे। फिलहाल मैं जो है यहाँ पे 4 से 5 करेंसी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जहां पे मैं ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकूं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक इंडिकेटर लेके मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह करने वाला हूँ, कुछ अमाउंट वगैरह मैं यहाँ पे इंक्रीज करके आप सभी को प्रॉफिट बना के दिखाने वाला हूँ, ओके। सो आप यहाँ पे वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिए और कमेंट जरूर छोड़ना गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आप जो है बन सकते हैं ट्रेडर ऑफ द वीक और इस वीडियो के गिवअवे के विनर, ठीक है। सो ये आप जो है बन सकते हैं, तो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ओके। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना अमाउंट जो इंक्रीज करना है, यहाँ पे मुझे करना है 10,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो इंडिकेटर अप्लाई करना है, मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाऊंगा और मुझे नीचे की साइड में यहाँ पे जाऊंगा, मुझे लेना है मोमेंटम के ऊपर। मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, आपने देखा होगा वहां पे, ठीक है। मैं इसका पीरियड वैल्यू कर दूंगा 15, कलर रखूंगा इसका ग्रीन ताकि मुझे इजिली दिख जाए। सेकंड गाइस हमारा इंडिकेटर रहेगा हमारा बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बॉलिंजर बैंड को हमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने, वाइड डिफॉल्ट हमने लिया हुआ है। और थर्ड हमारा इंडिकेटर रहेगा गाइस स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, ओके, नीचे साइड में मिल जाएगा, ये हमारा स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, ओके। इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, एक की पीरियड का कलर जो हमारा ये रहा तो इसको हम कर देंगे रेड, और जो डी पीरियड का जो कलर रहा उसको कर देंगे हम ग्रीन, ठीक है। सो सिर्फ इतना हमें इसको करना है, ठीक है, सॉरी हमने गलत कर दिया, इसको हम ये करेंगे, इसको हम करेंगे रेड, और ओवरवॉट को हम करेंगे ग्रीन, और इसको ओवरडाउन करेंगे हम ओवरशूट करेंगे हम रेड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कलर वगैरह अपने अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट यहाँ पे बन के आ गया है, इसको मैं जूम इन कर लूं। अब आप यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे, मैं आपको वो आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे देख लीजिए 4-5 करेंसी जो है ऐड कर लिया, जो है यूरो जीबीवाई पे भी आ जाइए। यहाँ पे गए हम सबसे पहले वॉलिंजर बैंड को समझेंगे कैसे, इसका जो बीच वाला जो क्या बोलते हैं एसएमए है, इसको क्रॉस करके मान लो कैंडल ऊपर की साइड बन गई, तो आप जो ऊपर के लिए ट्रेड कीजिए, ठीक है, ऊपर के लिए 2 मिनट के लिए ट्रेड प्रेस कर सकते हैं, ओके। आपको 90% से लेके 100% चांसेस है कि आप जो है विन कर जाएंगे, लेकिन आपको इस बीच वाले एसएमए को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बीच वाले एसएमए बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट करता है, आपको बॉलिंजर बैंड के बीच वाले एसएमए को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम में आप यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले तो हो गया, अब यहां पे देख लीजिए ऊपर जो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर आप देख पा रहे हैं, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर की जो ओवरबॉट वाली लाइन है 70 वाली, अगर गाइस ये बीच की दोनों लाइन ओवरबॉट वाली लाइन को टच कर लेती है, उसके ऊपर चल रही होती है, तो आपको समझना है मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट चल रहा है, यहां से कभी ना कभी मार्केट डाउन गिरेगा, और जैसे ही आपको इंडिकेशन मिले तो आपको जो है डाउन ग्रेड रेट प्रेस करनी है, ठीक है। और वहीं गाइज अगर ओवरसोल्ड ये नीचे की साइड ज्यादा 30 की लाइन को टच कर रहा है दोनों लाइन, तो आपको समझना बहुत ही ओवरसोल्ड चल रहा है मार्केट, यहाँ से ओवर यानी अपॉर्ट जा सकते हैं, तो आपको अपॉर्ट के लिए वेट करना है, ठीक है। अपॉर्ट का जैसे इंडिकेशन मिले आपको अपॉर्ट के लिए ट्रेड प्रेस करनी है, ओके। सबसे मेन चीज है स्टॉक एसिड ऑसिलेट की ये है कि जब भी गाइस ये ग्रीन लाइन इंटरसेट करके रेड लाइन को अपोजिट यानी अपर डायरेक्शन में जाती है, तो
अपवर्ड लिटरेट यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। मोमेंटम का सिंपल सा फंडा है दिस जस्ट मोमेंटम। आप समझिए मोमेंटम का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में चार्ट मोमेंटम दिखा रहा है, मोमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्रेस करनी है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मूवमेंट कर रहा है आप डाउन के लिए, तो मोमेंटम डाउन के लिए झुक गया है। इसका काम सिंपल सा यही है, मोमेंटम ये हमें दिखाता है कि चार्ट किस बेस पे किस डायरेक्शन में चल रहा है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों इंडिकेटर का सिंपल सा फंडा कि आपको कैसे कैसे क्या इनको यूज करना है, ओके। अब यहाँ पे मुझे इंडिकेट कर रहे हैं स्टोकास्टिक ऑसिलेटर और वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट हमें दिखा रहे हैं कि भाई 2 मिनट के टाइम पीरियड में मार्केट गिर सकता है डाउन के लिए। सो मुझे सिंपल सा इस कैंडल का एंड होने का वेट करना है, जैसे ही कैंडल एंड होती है मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा डाउन फॉल में, डाउन डायरेक्शन में। तो बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इंतजार करना है, जैसे ही कैंडल एंड होती है मैं यहाँ पे अपनी 10,000 रुपए की ट्रेड इंडिकेट जो है प्रेस करूंगा डाउन डायरेक्शन में, ओके। गाइस अगर अभी तक आपने जो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपने क्यूडस पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो क्यूडस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट अकाउंट क्रिएट जरूर कर लो। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा, ओके 5 सेकंड यहाँ पे बचे हुए इसके एंड होने में। और यहाँ पे गाइस मैंने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करी है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, 10,000 रुपए की, और वो भी यूरो जीबी वाई ओटीसी के चार्ट पे। अब मैं यहाँ पे मैंने ये क्यों प्रेस करी है, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 मेरे रीजन है यहाँ पे। एक तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए मार्केट में 2 कैंडल अपवर्ड बन रही है तो एक रेड जरूर बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कंटिन्यू अपवर्ड बनने के लिए 3 रेड जरूर बन रही है। अब यहाँ पे मार्केट का एक ओवर वॉट जा चुका है मार्केट, तो यहाँ पे एक कैंडल तो डाउन बननी चाहिए, ठीक है। अगर रिकवरी करता भी है मार्केट सेकंड कैंडल में तो ज्यादा से ज्यादा उसको ज्यादा रिकवर नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत रिकवर करेगा तो मेरी ट्रेड के 80% चांसेस है कि ये विन मेरी हो सकती है, ठीक है। मेरा ये मानना है 80% मेरी चांसेस है, 20% लॉस का चांस इसलिए है क्योंकि मार्केट देखो विन का चांसेस इसलिए है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरवॉट चल रहा है। नीचे की साइड आप यहाँ पे देखें स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को तो इंडिकेट कर रहा है डाउन के लिए, क्योंकि भी आप देख लीजिए अभी जो है ग्रीन लाइन इंटरसेप्ट करके डाउन के लिए गिर रही थी, ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रेड जो है डाउन के लिए प्रेस करी है। बाकी का हम इंतजार करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा मार्केट कहां जाता है, ओके। इंतजार कीजिए 20,000 रुपए में इन्वेस्टेड है, देखते हैं कहां मार्केट हमें दिखता है, क्या हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इंतजार करते हैं 55 सेकंड का मेरे पास टाइम बचा हुआ है, ओके गाइस 43 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं, ओके। इंतजार करेंगे हम अगेन यहाँ पे, थोड़ा सा क्लोज पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है भैया मार्केट का मूवमेंट का, देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है, ओके। तब तक मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी ने जो है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया मैं आपको टेलीग्राम शो करा दूं अपना, ठीक है। ये देखिए ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम गाइज मिलती रहती है। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ओके। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही देखने को मिलती है, तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम को, एंजॉय करो फ्री वीआईपी सिग्नल्स को, ओके। और यहाँ पे अभी जो है आप $50 डिपॉजिट करके वीआईपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरी दोनों ट्रेड जो है एग्जीक्यूट मैंने की थी, वो दोनों की दोनों मेरी प्रॉफिट हो चुकी है। मैंने आप सभी को बताया था कि मेरी ट्रेड जो 80% चांसेस है कि मेरी ट्रेड जो है विन हो जाएगी। गाइस फटाफट जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेलीग्राम, आप जो कि जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैंने जो है प्रॉफिट कर लिया स्प्रेड में, ओके। अभी मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूंगा बिकॉज मैं मोमेंटम को चेक करने वाला हूँ कि किस दिशा में जाने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करूंगा। 10,000 रुपए की ट्रेड में अगेन प्रेस करने वाला हूँ डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि बीच वाले ऐसे में को क्रॉस किया है हमारे मार्केट ने यानी मार्केट की कैंडल ने, सो हमें सिर्फ इंतजार करना है यहाँ पे कि क्या हमें देखने को मिल सकता है, ओके। थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम, अब की बार हम यहाँ पे टाइम चेंज कर रहे हैं 5 मिनट, मुझे मार्केट का मोमेंटम फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं भैया अपवर्ड डायरेक्शन की, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक 70,000 की ट्रेड मैंने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करी है 5 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन में। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, इन्वेस्टमेंट का रिस्क मैंने इसीलिए लिया है गाइस क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए $3,264 का मैंने बैलेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया है, इसीलिए मैंने ये जो है 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है। मार्केट का सिचुएशन जो है, मार्केट का जो फ्लो है, मार्केट का ट्रेंड है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसीलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ये 2 ट्रेड मैंने अप्लाई करी है अपनी 70,000 रुपए की। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भैया मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, जैसे ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है अपवर्ड के लिए मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है अभी ऑलरेडी 6 मिनट 20 सेकंड का टाइम हमारे पास है, ओके। सिंपल सा हम इंतजार करते हैं अभी भी, ओके। वीआईपी में हम जो है आपको एक बार शो करा देते हैं, वीआईपी में जो है सैटरडे संडे सेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, मंडे टू फ्राइडे सेशन वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए
सारे के सारे तीन ट्रेड प्रोवाइड करें, तीनों की 300% की एक्यूरेसी, अच्छी खासी एक्यूरेसी आपको वीआईपी में मिल जाती है गाइस, ठीक है। सो वीआईपी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक छोड़ा है, जाओ फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाके आप जो है इजिली सेशन वगैरह को टेलीग्राम के ज्वाइन वगैरह करके आप जो है इजिली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो गाइस, एंजॉय करो सेशन वगैरह को, ओके। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन छोड़ रखा है, तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो, ओके। इंतजार किस चीज का आप जो है कर रहे हैं, ओके। फिलहाल मेरे ट्रेड में लगभग 3 मिनट 33 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, फटाफट जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इजिली, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। क्रिएट नहीं किया अकाउंट अभी क्यूडेस का, ज्वाइन नहीं हुए वीआईपी में, क्यूडेस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फटाफट जाइए, ओके। डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इंस्टाग्राम पे आप सभी ने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फटाफट फॉलो करो, ओके। 3 मिनट 15 सेकंड 14 सेकंड का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, ओके। मैंने पहले ही बताया था कि आपको ओटीसी में थोड़ा सा आपको मार्केट कैप करना पड़ेगा, मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा किस फ्लो में अभी चल रहा है। अभी देख लीजिए मार्केट का मोमेंटम चेंज हो गया है, यहाँ से डायरेक्टली मार्केट डाउन की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मोमेंटम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को देखें, थोड़ा सा चेंज होता है रिप्रेस के बाद, अगर आप इसको जो है हटा देंगे, इसको मोमेंटम को हटा देंगे तो ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। हमने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को हटाया है यार, देखो मोमेंटम का कोई काम नहीं है तो मैं क्या करता हूँ स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को मैं ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज मोमेंटम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, ओके। फिलहाल तीनों की तीनों कैंडल अभी डाउन फ्लो में जा रही है, हमारी ट्रेड जो है प्रॉपरली लॉस में चल रही है। हम यहाँ पे इंतजार करते हैं सबसे पहले भैया हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट, अभी लॉसेस के चांसेस गाइस पूरे पूरे हैं। हम लोग जो है 1.5 लाख प्लस का हम जो है यहाँ पे लॉसेस अभी करने वाले हैं, ठीक है। इंतजार करते हैं कि हम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, ओके। ओवरबॉट का यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसको करता हूँ रेड, ओके। मेरे पास पूरा 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में देखते हैं कैंडल कहाँ पे मूवमेंट करती है। मैंने तो भैया मार्केट का फ्लो देख के, मार्केट का ट्रेंड देख के 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, मुझे नहीं पता था यहाँ से रिवर्स करेगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि ओटीसी का मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप जो है जेन्युइन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि मार्केट में चलिए आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चले गए, यहाँ पे जाएंगे भैया चलो हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चले जाते हैं, आपने ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके जो है मार्केट का मोमेंटम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इजीली चीजें देखने को मिल जाती है, चलो मार्केट जो है कहाँ पे कंसीडर कर रहा है। आप मान लो मैंने यूएसडी का चार्ट यहाँ पे लाइव ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आपको एक सारी चीजें इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारी मिल जाती है, ठीक है। क्या न्यूज है मार्केट में, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन गाइस क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई इजिली इतना जल्दी आप जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, यहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं ओटीसी के मार्केट में। ओटीसी में कोई गाइस प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं बना पाता, ठीक है। मार्केट को जब तक आप कैप्चर कर रहे हैं तब तक ठीक है, कैप्चर करना भूल गए हैं ओटीसी में तो ओटीसी को आप जो ट्रेड करना छोड़ दीजिए, ओटीसी में बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, यहाँ पे आपको ज्यादातर केसेस में लॉसेस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और फाइनली मैं देखता हूँ भैया मैं कैसे अपने लॉसेस को प्रॉफिट में बदल सकता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करता हूँ मैं, ओके। मुझे जैसे ही इंडिकेशन मिलेगा मैं अपनी ट्रेड वगैरह को एग्जीक्यूट यहाँ पे करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं इंतजार करूँ यहाँ पे। 44 सेकंड 45 सेकंड यहाँ पे टाइम है, 43 सेकंड आप देख सकते हैं, 41 सेकंड इंतजार करते हैं भैया कि 30 सेकंड में गेम बदल के भैया मार्केट में कोई जैसे एनआईपी वगैरह की न्यूज होती है वैसे कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंतजार करने वाला हूँ भैया क्या हो सकता है, ओके। आने वाले टाइम में नहीं कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, ये ट्रेड प्रॉपरली लॉस में गई है, लॉस में ही एंड होगी, बट हम सिर्फ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लें कि क्या हो सकता है। मार्केट में 18 सेकंड बचे हुए, एंड होने के बाद हम डिसीजन लेंगे मार्केट में ट्रेड हम कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। रिकवरी कर पाते हैं नहीं कर पाते वो सारा का सीन यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, ओके। इंतजार करते हैं थोड़ा सा, नीचे की साइड से मार्केट जो है सपोर्ट फील कर रहा है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ये गाइस हमारी ट्रेड जो है लॉस हो चुकी है, यहाँ पे देख लीजिए, ओके लॉसेस हमारी ट्रेड सारी सारी। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डाली है 5-5 सेकंड्स की, इसमें तो हम करेंगे अपना लॉसेस को कवर, ठीक है। ये हमारा लॉसेस कवर हो गया है, चलिए हमने लॉसेस कवर किया। मैं यहाँ पे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करी है अगेन 5-5 सेकंड्स की, ये हुई गाइस हमारी प्रॉफिट, ओके। हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। हम जिस बैलेंस के साथ आए थे $3,200 का हमारे पास बैलेंस था, और अब हमने जो है यहाँ पे टोटल 1,500 डॉलर के समथिंग बैलेंस अर्न कर लिया। थोड़ा सा मैं इंतजार करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड और मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ गाइस, ओके। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डाल दिए डाउन डायरेक्शन में, ठीक है।
यहाँ से थोड़ा सा मार्केट डाउन के लिए इजीली जा सकता था, इसलिए मैंने ट्रेड डाली है और ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। वही 5-5 सेकंड में मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है। सारा का सारा मैंने जो है यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो लॉसेस था सारा का सारा कवर किया, $2,000+ का मैंने बैलेंस यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यहाँ पे जो मैंने चीज आपको बताई ओटीसी के रिगार्डिंग की कैसे कैसे क्या चीजें काम करती है सारा का सारा जो है आप जो है इजिली समझ भी गए होंगे। ठीक है, अगर आपको गाइस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज गाइस लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस वीडियो का जो भी विनर रहेगा गाइस मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताने वाला हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलने वाली है। ठीक है, ट्रेडर ऑफ द वीक की भी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी, तो फटाफट जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूडेस अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो यूडेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। ओके, बाकी गाइस मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।